सुधुगो, आई एम श्योर ये बॉक्स सामने रखा हुआ देख के यू क्लियरली नो कि ये क्या है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये लोगो देखते आप पहचान जाओगे, ये नहीं पहचानोगे तो यहाँ पे जो लिखा है आरओजी इससे पहचान जाओगे, और इससे भी नहीं पहचान रहे हो तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है ना, फॉर दोज हु डेयर, तो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज इन फैक्ट वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन, मैं बात कर रहा हूँ आरओजी फोन 8 प्रो की, और यहाँ पे ये इनफैक्ट इसका एक स्पेशल एडिशन है। आज अब इसको एक तरीके लाइक और शेयर करते हैं, और हम करते हैं इसी को अनबॉक्स और देखते हैं कि आखिर, देखो डेयरिंग तो हमने कर ली और बॉक्स को ओपन भी कर लिया, तो अंदर क्या मिलता है, क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसा है ये पूरा फोन, और कैसे हम ज्वाइन हो सकते हैं रिपब्लिक ऑफ गेमर्स में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो शुरुआत की बात इसके साथ है कि ऐसा अगर बॉक्स मिल जाए फोन का, तो मतलब समझ लो कि अंदर सामान बहुत ज्यादा मिलने वाला है, वरना आपको पता है कि बॉक्स में क्या मिलता है। अब यहाँ पे हमारे पास में इंटरेस्टिंग डिजाइन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पुल डाउन, और इसको पुल करने में ना डर लग रहा है कि अंदर से कोई धमाका ना हो जाए, बट इसको अगर हम खोलते हैं देख लो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डिजाइन के साथ में आता है, इसको हमने पुल किया और हमने इसको ऐसे खोला, ऐसा काम केवल लगता है आरओजी फोन में ही हो सकता है। हमारे पास में सबसे पहले यहाँ पे फोन रखा है, ये इस फैंटम ब्लैक कलर में आ रहा है, इसको हम एक बार साइड में रख लेते हैं, फोन को देखेंगे बाद में, पहले देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। नीचे हमारे पास में एक ड्रॉर है जहाँ पे अगेन ब्रांडिंग भर भर के आरओजी की, और इधर वी हैव अ सिम टूल, एक बिकिनी केस में बोलूंगा इसको आरओजी फोन के लिए, और ये खाली क्यों है को बताऊंगा व्हाट इज द रीजन। इधर अगर आप देखोगे ना, तो वी गॉट मल्टीपल थिंग्स, वी हैव दिस नाइस कैरिंग पाउच, साथ में हमको मिलता है बॉक्स के ये लेटेस्ट एरो एक्टिव कूलर, जिसमें ट्रिगर्स हैं और आप इसमें अलग लेवल का मजा पूरा उठा सकते हो। एक ये चार्जर है जो कि आता है यूएसबी सी आउटपुट के साथ पे, दिस इज द 65 वॉट्स चार्जर, फास्ट चार्जर है, और फिर ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ब्रेडेड एक यूएसबी सी केबल। अब अगर हम बात कर लें फोन की, और हम देखें अगर इसको, ये है लेटेस्ट आरओजी फोन 8 प्रो, और आपको देख के लग रहा होगा यार वो डिस्प्ले कहाँ गया, कहाँ आरओजी ने क्या काम कर दिया, बट लेट मी टेल यू पिक्चर अभी बाकी है, बिकॉज अभी फोन ऑफ है, लेट्स बूट इट अप और देखते हैं क्या होता है। रिपब्लिक गेमर्स लिखा हुआ आ गया है, कुछ तो होने वाला है। स्नैपड्रैगन एलीट गेमिंग के बारे में बातें कर रहे हैं ऑफकोर्स हम, देख रहे हो आप, ये बता रहे हैं कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज, फोन को करना है हमको ऐसे, मिशन आ गया है, एक मिशन ब्रीफ, फोन को ऑन करती है हम गेम खेल रहे हैं, मतलब कैन यू बिलीव इट। भाई ये जो आपको दिख रहा है सेंसर जोन यहाँ पे लिखा है, इसमें एक्चुअली एक सेंसर लगा है, और इस फोन को यहाँ पे टच करेंगे तो कुछ होगा, ये बोल रहा है टच करने के लिए, यहाँ पे टच करते हैं, वेपन मिला है हमको टच करके, ओके कितनी मेहनत कर रहा है ये एसुस गेम डेवलप करने में, ये देख रहा हूँ मैं ऐसा गेम खेलता हूँ, अभी तो हमको और काम करने हैं, पहले तो यहाँ पे था, अभी फोन को यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, चलो इम्प्लांट करते हैं इसको, ऐसे रखना पड़ेगा हमको यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है 100%। फोन निकाल लिया, कंटिन्यू कर लिया, और हमारी आरओजी सिटी में शांति छा गई है। Guys, this was just the beginning. मतलब आपने अभी फोन को सेट किया है उस टाइम पे, ये जो पूरा गेम का एक्सपीरियंस आ रहा है, मैं अभी तक इनफैक्ट ये सारी जो ऑप्शन है मैं उसी को ही अभी इनेबल कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेटिंग अप द फोन, और आप देखोगे यहाँ पे कि वी हैव दिस गेम, ये शुरुआत हुई है। और अब आप एक बार देखो इस फोन को ध्यान से, बिकॉज देखने को यहाँ पे बहुत कुछ है, और फिर हम बात करते हैं कि आखिर क्या फीचर्स हैं, क्या चीजें हैं इसी आरओजी फोन 8 प्रो की। दोस्तों देखा आपने भाई पूरा नज़ारा है इस फोन का, और नज़ारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये किसी नज़ारे से कम नहीं है, मतलब यू कैन प्ले विद दिस एनिमे विजन स्क्रीन, और आप अपने हिसाब से अपना पूरा जलवा दिखा सकते हो दुनिया को। इनफैक्ट फोन जो है वो काफ़ी थोड़ा डिफरेंट फ्रेश फील होता है, एट द सेम टाइम
इट्स अनडाउटेडली ROG फोन, बिकॉज हमारे पास में नीचे भी एक USB पोर्ट है। ROG बोलते हैं मेरे को देना है एक मिनट डबल का मजा, और इसीलिए यहाँ पे साइड में भी USB-C पोर्ट होता है ROG फोन्स पर। मजे की बात, ये जो केस आपको बता रहा था, इसका रीजन की ऐसा है, वो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जब आप केस लगाते हो तो आपको पहली बात तो ये स्क्रीन दिखना चाहिए, दूसरी बात ये जो बॉक्स में कूलर आया है आपको भी तो अटैच करना है। अटैच करना बड़ा ईजी है, जहाँ पे आप इसको साइड पोर्ट से अटैच करते हो कुछ ऐसे, आप करते हो इसको लॉक, और उसके बाद में आपको कुछ ऐसी एक दुनिया मिल जाती है जहाँ पे इनफैक्ट इधर भी RGB लाइट्स हैं हमारे पास, और आपको जो मिलता है पूरा सेटअप वो मिलता है कुछ इस तरीके से गेम्स वगैरह खेलने का, और फ़ोन को ऐसे किक स्टैंड पे रखने का। ये चीज़ें वैसे हमने देखी हैं पहले, तो नथिंग न्यू इन दिस, बट हाँ इम्प्रूवमेंट्स हो गए हैं, और वो क्या हुए हैं कैसे आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना फ़ोन की ऑन अ फिजिकल फ्रंट की क्या चेंजेस हैं, तो एक चेंज जो मैं इंस्टेंटली नोटिस कर पा रहा हूँ दोस्तों, वो है कि ये फ़ोन कॉम्पैक्ट हो गया है, थोड़ा हल्का भी हो गया है। मतलब फॉर कंपेरिजन आई हैव दिस मॉन्स्टर, ये ROG 7 हमारे पास में है, लुक एट द डिफरेंस। ना फ़ोन थोड़ा सा छोटा हो गया है हाइट में, और थिकनेस जो है थोड़ी कम हो गई है, वजन थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज हो गई है। ROG जो है ये थर्ड जेन लेके आता है अपनी एज़ पर ASUS। हम अगर बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये पूरा एल्यूमिनियम फ्रेम है हमारे पास में। यहाँ पे राइट साइड में एक माइक्रोफोन है, पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर है, और ऊपर और नीचे हमारे पास में वो प्रेशर ट्रिगर्स हैं, ऐसे प्रॉपर पूरा मजा उठा गेम खेलने के लिए। ऊपर अगर हम देखते हैं तो वी गॉट वन मोर माइक्रोफोन। लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में ये USB-C पोर्ट है, इस तरह के एक्सेसरीज वगैरह को अटैच करने के लिए, या फिर अगर आप गेम खेल रहे हैं ऐसे तो फ़ोन को नीचे से चार्ज करने के लिए। यहाँ पे बात करें अगर नीचे की, तो वी हैव अनदर माइक्रोफोन, फिर है एक USB-C पोर्ट, फिर है एक सिम ट्रे, साथ में स्पीकर ग्रिल है, और हेडफोन जैक है इन अ फ्लैगशिप फ़ोन, बहुत रेयर बात होती है। पीछे आपको ऐसा पूरा ब्लैक में एकदम ऐसा मैट फिनिश मिलती है विद दिस स्ट्रीक, जहाँ पे इधर लिखा है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, और बीच में ये एक एनिमे विजन स्क्रीन है दोस्तों, यहाँ पे कुछ पिक्सल्स हैं, और ये ना मतलब अगर जैसे मैं इसको बंद कर दूंगा तो पूरा गायब हो जाएगा, और जब ऑन होता है ओनली देन यू सी दिस इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे आप कस्टमाइज इसको कर सकते हैं, यू कैन हैव डिफरेंट एनिमेशंस, आप गेम खेल रहे हैं तो कैसा होगा, आप चार्ज कर रहे हैं बैटरी आपको उसका एनिमेशन आ जाएगा, आपका फ़ोन उल्टा पड़ा है कोई कॉल आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, आप फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स यू कैन ईजिली डू इन दिस एनिमे विजन स्क्रीन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऊपर, तो वी हैव अ ट्रिपल कैम सेटअप। कैमरा असेंबली बहुत ज़्यादा बाहर निकल रही है, टू बी ऑनेस्ट मुझे बात पसंद नहीं आ रही है। उसका रीज़न क्या है, जब फोन कैसे रख रहा हूँ ना, तो ये देखो लुक एट दिस, मतलब बहुत ज़्यादा ये फ़ोन हिल रहा है बिकॉज एक तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूडिंग है ये कैमरा असेंबली। यहाँ पे हमारे पास में ट्रिपल कैम सेटअप है, कैमरा इंप्रूव हो गया है। हम बात करते हैं आगे चलते हुए कि आखिर इंप्रूवमेंट्स क्या हुए हैं, और फाइनली हमारे पास में सामने है एक 6.78 इंचेस का ये वाला ट्रेडिशनल स्क्रीन, जो कि पहले ROG फोन्स में नहीं आता था। हमारे पास में ऊपर नीचे बेजल्स हुआ करती थी, बट यहाँ पे ये आता है 6.78 इंच के साइज में, फुल HD+ पैनल है, ये सैमसंग की E6 टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और 165 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, और जो पीक ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो मतलब एवरीथिंग इफ़ यू कंबाइन, मेरे ख्याल से गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अगर नॉर्मली फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, कैजुअल आप कुछ ब्राउज कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ इन दिस स्क्रीन। स्क्रीन के नीचे हमारे पास में लगा है एक हिडन अंडर डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर, और फिर जो सेल्फी कैमरा है यहाँ पे इस पंचोल स्टाइल में, वो है 32 मेगापिक्सल का। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट अंदर क्या लगा है, तो यू नो कि ROG फोन जो है ना वो मतलब हल्की फुल्की चीज़ों में तो आता ही नहीं है। हमारे पास में यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है टू बिगिन विद, यू नो अमेजिंग परफॉर्मेंस को मिलने वाली है। फिर है ROG की अमेजिंग कूलिंग टेक्नोलॉजी इस चिप को और ठंडा रखने के लिए। उससे काम ना चले तो आप इस कूलर को लगाओ, और इस कूलर को लगाने के बाद में भैया इसमें अलग अलग मोड्स हैं, मतलब फ्रॉस्टी, फ्रोजन, बहुत तरह तरह के मोड्स हैं। आप यहाँ पे नीचे से इसको चार्ज भी कर सकते हो, यहाँ पे हेडफोन जैक भी है, यहाँ पे ट्रिगर बटन्स भी हैं, और पंखा लगा है बहुत तेज पूरा फ़ोन को ठंडा करने के लिए, और सरफेस पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और अंदर तक ठंडक पहुँचती है, तो फ़ोन लंबा आपको अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस का एक मज़ा देने वाला है गेम्स वगैरह खेलते हो तो। और साथ में 8 Gen 3 के इस पर्टिकुलर मॉडल में, विच इज़ द ROG फोन 8 प्रो एडिशन, 24 GB की रैम है, LPDDR5X RAM 24 GB, एंड द स्टोरेज UFS 4.0 वाली है 1 TB की।
एक ही वेरिएंट है, 24GB रैम 1TB स्टोरेज। तो आप जस्ट सोच के देखो कि परफॉर्मेंस किस लेवल की है। और फिर हमारे पास में 5500mAh की एक बैटरी है जो कि दो टुकड़ों में डिवाइडेड है, बिकॉज जो कंप्लीट CPU है वो बीचों बीच है एज पर द डिजाइन। और ये सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग, वही 65W जो हमको चार्जर मिली गया है। और इनफैक्ट इसमें वायरलेस चार्जिंग को भी अब ऐड कर दिया है ROG ने। मतलब एक बात जो अच्छी लगी मुझे वो ये कि जो जो चीज़ें मिसिंग थी ना वो ऐड हुई हैं। अब IP68 के साथ में आता है, मतलब पानी में डूबेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सामने प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, मतलब अगर फोन भाई टूट ना जाए, कैसे टूटेगा। तो ये जो फोन है ये हमारे पास में बिल्कुल सही चल रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रोटेक्शंस गोइंग ऑन। नाउ गाइस, टॉकिंग अबाउट कैमरास, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन कैमरा तो ये है सोनी IMX890 सेंसर के साथ में। और यहाँ पे हमारे पास में है गिम्बल स्टेबलाइजेशन जो कि OIS से भी एक कदम आगे है। मतलब जो आप दौड़ते भागते कुछ वीडियोस बना रहे तो वो काफ़ी अच्छी एक जो है वो क्वालिटी मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस वाले कैमरा की, ये है एक 32 MP का कैमरा विद 3x ऑप्टिकल जूम एंड अगेन OIS हमको भी मिल जाता है। और सबसे ऊपर लगा है एक 13 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो LED फ्लैश यहाँ पे है, 8K अल्ट्रा HD लिखा है। फोटोज में बोलूंगा नॉट रियली द बेस्ट टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हमने सारे कैमराज को देखा है आज तक, लेकिन ROG के कंपैरिजन में जो पुराना ROG फोन्स में जिस तरह का हार्डवेयर यूज कर रहा था ASUS, अभी बोलता हूँ देर हैज बीन अ इंप्रूवमेंट। और जो फोटो सैंपल्स हैं वो आपके सामने ही है जो आपने देखे हैं अभी तक, मतलब सेल्फीज जो है वो आती है 32 MP के कैमरा के साथ में और पीछे की तरफ आपको एक प्रॉपर टेलीफोटो वगैरह मिल जाता है। तो मतलब यू नो एवरीथिंग कंबाइंड यू हैव kind of performance camera की जहाँ पे आपको ultra wide और सब कुछ मिल रहा है। तो these are the results. Now speaking of results, एक चीज़ जिसका आप सभी को इंतजार होगा वो है इसकी gaming performance। ना इस gaming के point of view से पहली बात तो जो चीज़ें आप customize कर सकते हो इसकी armory crate में जाके, मतलब लगता है भैया वाकई में ना आपको पूरी permission मिल गई है फ़ोन में। Changing modes, playing with different minute settings, आपके gestures, आपके shortcuts, आप जब game खेल रहे हो उस टाइम पर पूरी एक toolbar आ जाती है, मतलब you know everything put together। मेरे ख्याल से गेमिंग फोन के पॉइंट ऑफ व्यू तो दिस इज अ पैराडाइज, मतलब दिस इज एक्चुअली हेवन फॉर गेमिंग। मतलब अगर आप गेम्स वाकई में खेलते हो और आपकी जो जिंदगी है वो भैया गेम्स के आसपास घूमती रहती है, तो यहाँ पे जो आपको मजा मिलने वाला है ना फॉर ऑल द कंट्रोल्स फॉर एवरीथिंग, आपको अपनी रिकॉर्डिंग करनी है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे AI से आपके गेम की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, गेम प्ले की क्विक मूवमेंट्स निकल जाएंगे, स्टिच होकर छोटी वीडियो बन जाएगी। तो मतलब ये जो लेवल पे काम हो रहा है ना, आई एम श्योर गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू तो देर इज नो डिसअपॉइंटमेंट व्हाटसोएवर, यू विल एंजॉय एवरीथिंग इन दिस फोन। दिस इज एक्चुअली फॉर दोज हु डेयर। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज प्राइस जो है इस फोन की 24GB रैम और 1TB वेरिएंट वाला जो मैं बात कर रहा हूँ ROG फोन 8 प्रो एडिशन, इट इज 119,999 rupees। वैसे इससे पहले अगर आप ये सोच लें कि यार 120 तो बहुत ज्यादा है, तो गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, इसका एक दूसरा वर्जन भी है विच इज कॉल्ड ROG 8 प्रो, वो एडिशन नहीं है, उसमें है 16GB की रैम और 512GB की स्टोरेज और उसकी जो प्राइस है वो है 94,999। तो आपके ऊपर है कि आपको किस तरफ जाना है, नॉर्मल में या एडिशन। बट देन अगेन दिस फोन इज रियली समथिंग वेरी डिफरेंट। और इनफैक्ट आप इसको भी अगर बाहर निकालोगे, कहीं पे जेब में रखा हो, कहीं पे आपने ऐसा रखा हो, तो दिखता है क्लियरली कौन सा फोन है। सेम वॉज द केस लास्ट ईयर एज वेल कि ये जो फोन है, मतलब यू नो विद दिस स्क्रीन जो पीछे हमको यहाँ पे मिलता था, जहाँ पे आपने एक बार इस फोन को देखा कि भाई आप इसको यूज कर रहे हो तो पीछे जो सारे एनिमेशन और ये सब चीज़ें चल रही हैं, इवन दिस वॉज क्वाइट यू नो समथिंग इन इट सेल्फ। सिमिलर चीज़ है ROG, यू नो रियली पुटिंग इन एवरीथिंग पॉसिबल, जो जो भी इनको मिल गया है, जो क्वालकॉम ने बना दिया, जो सैमसंग ने डिस्प्ले दिया लेटेस्ट वाला, सब कुछ पैक करके फोन को बनाया है। दिस इज हियर द ROG फोन 8 प्रो एडिशन। आप बताओगे आपको वीडियो कैसा लगा, फोन कैसा लगा। मैं बोलूंगा गेमिंग में तो भाई कोई कंपैरिजन है ही नहीं, 2.2 मिलियन के पार का यहाँ पर इंट्रोड्यूस स्कोर निकल के आ रहा है, मतलब और क्या चाहिए आपको। और साथ में ऐसी चीज़ें मिल जाएं अगर तो फिर तो जन्नत से कम नहीं है चीज़ें। आपकी तरफ से क्या बात है नीचे कॉमेंट करते हुए बताना मत भूलना। और मैं आपसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।